हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें एक बड़ा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। आज भी आपने देखा हो 22,000 के आसपास सस्टेन किया, एक डिप दिया इंट्राडे में, और फिर एक काफ़ी अच्छा रैली हमें देखने को मिला। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में टारगेट भी बताया था 22,500-22,700, ये पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी भी मैंने आपको बताया था बुलिश लग रहा है सेटअप, और 11,600 तक के टारगेट्स निफ्टी में पॉसिबल है। सो दोनों ही इंडेक्स में अभी बुलिश व्यू सेटअप है, और यहाँ से और हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और आप देख सकते हो 4-5 दिन कंटिन्यूसली एक रेंज में था, ठीक है, फिर एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, ठीक है। तो 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हो 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अब इमीडिएट जो टारगेट आते हैं वो आते हैं 23,000 के आसपास, जो कि इसका लास्ट स्विंग था, ठीक है। सो लास्ट स्विंग यही था, सो अगर यहाँ से निकला तो डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट यही हो सकता है 23,000 के आसपास। तो मुझे लगता है 22,700-23,000 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी। तो इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा 23,000 तक के टारगेट्स के लिए। निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और निफ्टी मैंने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो में कि 11,270 के ऊपर ही काफी अच्छा बाय हो जाएगा ये। और आप अगर देखो मार्च सीरीज का जो हाई था वो 11,413 था, ठीक है। तो मार्च सीरीज के हाई तक तो ये इजीली मुझे लगता है टेस्ट कर लेगा, और अगर वो हाई क्रॉस होता है मार्च सीरीज का तो मुझे लगता है यहाँ से 11,600 तक भी पॉसिबल है। तो यहाँ से 200-250 पॉइंट का और रैली हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी में भी अगर कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है तो काफी अच्छा बाय रहेगा। 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो इंट्राडे डिप में फॉर अ टारगेट ऑफ 11,600। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कोलपाल सेल दिया था 1432 के नीचे, इसने 1440 का लो बनाया, तो कोलपाल में सेल ट्रिगर नहीं हुआ है। एंड HPCL भी मैंने आपको सेल दिया था 213 के नीचे, इसमें भी सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। पीडीलाइट मैंने बाय दिया था, पीडीलाइट अगर आप देखो पीडीलाइट जो मैंने बाय दिया था वो ट्रेड ट्रिगर हुआ है, और आप देख सकते हो ये पीडीलाइट यहाँ से पहले नीचे आया उसके बाद ट्रिगर हुआ, 1402 के ऊपर मैंने बाय दिया था, और 1408.90 तक जाके आया ये, और उसके बाद ये नीचे आया है। इसमें अराउंड 4-5 रुपये का लॉस हुआ है, और स्मॉल लॉस में निकले क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो ट्रिगर हुआ है। तो एक ही ट्रेड ट्रिगर हुआ है पीडीलाइट, जो कि ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस के आसपास था। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहला स्टॉक होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक अगर आप देखो ये ऑलमोस्ट 400 के लेवल से गिरते आ रहा है, ठीक है, और अब मुझे लगता है यहाँ पर देखो 300 का लेवल के आसपास बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, 300 का लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है जो कि प्रीवियस सपोर्ट भी था। अब मुझे लगता है यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है इसमें 320-330 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं बंधन बैंक में। तो बंधन बैंक काफी अच्छा बाय रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली के हिसाब से। तो कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन बंधन बैंक काफी अच्छा बाय रहेगा शॉर्ट कवरिंग रैली के हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक होगा डाबर। डाबर सेलिंग के लिए सेटअप काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे डबल टॉप है, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल टॉप बना रहा है, और लास्ट 2 दिन का कैंडल आप देखो कितना बड़े बड़े टेल छोड़े इसमें, ठीक है, ये टेल है, इसका मतलब क्या है ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। तो कौन से लेवल पे शॉर्ट करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा पेट्रोनेट। पेट्रोनेट में मुझे स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है, 250 का राउंड ऑफ नंबर टूटा है इसमें, और एक काफी बड़ा सप्लाई हमें देखने को मिला आज के दिन में 260 के लेवल से। और अगर आप सेटअप देखो यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे एक फॉल आया था, एक रिट्रेसमेंट हुआ, वापस सेलर्स ने इसको शॉर्टिंग करना स्टार्ट किया, और वापस मुझे लगता है एक फॉल आ सकता है इसमें, 10-15 रुपये का फॉल हमें देखने को मिल सकता है पेट्रोनेट में। काफी अच्छा नेगेटिव प्राइस एक्शन है, तो शॉर्ट की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना पेट्रोनेट में। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और जन्माष्टमी स्पेशल मैंने एक स्टॉक भी सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो कैंटाबिल मेरी स्क्रीन पे, ये मैंने 170 के आसपास भी रेकमेंड किया था, और आप देख सकते हो काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था इसने यहाँ पे, ये एक रेंज ब्रेकआउट था एंड यहाँ से काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने, और अब एक रेंज कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने के चांसेस काफी ज्यादा है। और इसका टारगेट मुझे लगता है मंथली चार्ट के हिसाब से 450-500 तक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा बाय रहेगा। इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो 275 का,
एंड ऊपर में 450 और 500 के टारगेट के लिए। सो जन्माष्टमी स्पेशल स्टॉक है ये, अगर आपको इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो 275 के स्टॉप लॉस से 450 से 500 तक के टारगेट के लिए। तो अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।